नमस्कार खम्बागणी, वेरी गुड इवनिंग। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस में हलचल तेज, हरीश चौधरी बोले राहुल का संदेश, सभी एकजुट होकर लड़े चुनाव। राजस्थान को मिलेगी दूसरी वंदे भारत, पीएम मोदी 7 जुलाई को देंगे सौगात। देवीकोट और फतेहगढ़ में चोरों ने अर्धरात्रि को सुनार की दुकान को बनाया निशाना। कोटा कलेक्टर ने बाढ़ से अलर्ट को लेकर चिन्हित गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से ली जानकारी, दी अधिकारियों को निर्देश। बारा में महिला व उसकी बहनों के साथ उसके 4 देवर ने की मारपीट। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान प्रदेश के नेताओं की पार्टी हाईकमान के साथ दिल्ली में हुई बैठकों के बाद से ही कांग्रेस में हलचल बढ़ी हुई है। पार्टी नेताओं के बीच मेल मिलाप का दौर चल रहा है। एक और जहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के आवास पर उनके समर्थक विधायक उनके साथ बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के आवास पर भी हलचल रही है। बीते 2 दिनों में सचिन पायलट सहित कई नेता मुलाकात के लिए पहुंचे थे। ऐसे में इस मेल मिलाप के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चर्चा ये भी है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन को लेकर कई फैसले हो सकते हैं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात के बाद से ही जयपुर पहुंचे हरीश चौधरी बीते 2 दिन से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हरीश चौधरी से मुलाकात के लिए सचिन पायलट भी उनके आवास पहुंचे थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट, परसादी लाल मीणा और प्रमोद जैन भाया भी उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। वहीं हरीश चौधरी मंत्री लालचंद कटारिया से भी जाकर मिले। ऐसे में चर्चा इस बात की थी, क्या हरीश चौधरी राहुल गांधी का कोई संदेश लेकर जयपुर पहुंचे हैं। हालांकि नेताओं से मुलाकात को लेकर पूर्व मंत्री हरीश चौधरी का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी नेताओं को निर्देश दिए हैं कि अगर एकजुट होकर चुनाव लड़े तो जीतेंगे। राहुल गांधी का संदेश सभी नेताओं के लिए है। दिल्ली में मुलाकात के दौरान भी राहुल गांधी को सभी एकजुट रहने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में 8 जुलाई को जनसभा से पहले 7 जुलाई को जोधपुर, पाली और सिरोही जिले के लोगों को वंदे भारत की सौगात देंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरात के साबरमती से राजस्थान के भगत की कोठी के बीच चलेगी। पीएम मोदी 7 जुलाई को एक साथ 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें ट्रेन भी शामिल होगी। इससे पहले 4 जुलाई को इस ट्रेन का ट्रायल रन भी किया जाएगा। ये ट्रेन रविवार को छोड़ सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इस ट्रेन के संचालन से यात्रियों को 2 घंटे की बचत होगी। रेल मंत्रालय ने फिलहाल यात्री किराए को लेकर कोई जानकारी अभी नहीं दी है, लेकिन चेयर कार का किराया 1,000 रूपये और एग्जीक्यूटिव श्रेणी का किराया 1,700 रूपये हो सकता है। देवीकोट और फतेहगढ़ में चोरों ने अर्धरात्रि को सुनार की दुकान को निशाना बनाया। लाखों रुपए का सोना चांदी चोर ले गए, तो वहीं करीबन 40 किलो चांदी व 200 ग्राम सोना उड़ाकर ले गए चोर। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे व वीसी बॉक्स भी ले गए साथ। घटना की जानकारी मिलते ही सांगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। देवीकोट कस्बे में स्थित ताराचंद सोनी की दुकान में चोरी हुई है। कोटा जिला कलेक्टर ओपी बुनकर व कोटा ग्रामीण एसपी कविंद्र सागर ने शनिवार को इटावा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सूखनी नदी क्षेत्र का जायजा लिया और बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद कलेक्टर व एसपी अधिकारियों के साथ चंबल व कालीसिंध नदी के किनारे बसे गेता, किरपुरा व राजपुरा पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों से रूबरू हुए और पिछले साल बाढ़ से आए पानी के प्रवाह को लेकर जानकारी। इसके साथ ही अन्यत्र बसाने को लेकर जगह का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने एक दर्जन गांवों का दौरा कर बाढ़ को लेकर अलर्ट को लेकर जानकारी ली। इस दौरान इटावा एसडीएम अंजना शहरावत, डीएसपी शोजीलाल मीना, सीआई धनराज मीना सहित कई अधिकारी साथ रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कह रहे हो लेके हम लोग राउंड ले रहे हैं कि मानसून में पिछली बार यहाँ इटावा साइड में काफी नुकसान हुआ था। कई गांव डूब क्षेत्र में आ गए थे, कई मकान गिरे थे। तो इस लोगों को अलर्ट करने का मकसद है और जो गाँव डूब क्षेत्र में आता है उनके लिए जो और अरेंजमेंट क्या हो सकता है उनसे मिल के बात करके दोनों किनारों पे। हाँ जी। अच्छा, नदी क्षेत्र में पता करते हैं, नगर पालिका को बात करते हैं। पुलिया तो मंजूर हो ही गया इसके ऊपर। छबड़ा में ईद पर महिला से मिलने आई थी उसकी 2 बहन व भाई। लात घूंसे व डंडों से की मारपीट, दोनों घायल बहनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला का पति गलत शौक करता है, देवर और ससुर चाहते हैं महिला के नाम रजिस्ट्री शुदा मकान को खाली कराना। घायल महिला फिरदोस ने लगाया आरोप, छबड़ा के कोली मोहल्ले की पूरी घटना है। तो बारा जिले के छबड़ा कस्बे के कोली मोहल्ले में ईद पर महिला से मिलने आई उसकी 2 बहनों व भाई के सहित महिला के साथ उसके 4
देवरों ने लात घूसे व डंडों से मारपीट कर दी, जिससे महिला फिरदौस व उसकी एक बहन को अधिक चोट लगने पर उन्हें शनिवार रात्रि को बारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने उसके चार देवर सहित ससुर पर उसके रजिस्ट्री सुधा मकान को खाली करवाने के लिए मारपीट करने का आरोप लगाया। घायल महिला फिरदौस ने बताया कि उसका पति गलत शौक करता है, उसके चार बच्चे हैं, उसके पिता ने उसे मकान बनाकर दिया था जिसे वो बेचना चाहते हैं। ईद पर उसकी बहन और भाई उनसे मिलने आए तो उनके देवर आरिफ आबिद जाहिद आशिक ने मारपीट की, साथ ही महिला ने उसके ससुर मुबारक पर उन्हें मारपीट के लिए उकसाने का आरोप लगाया। ब्रजेश यादव, बारा से ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। कैसे, क्या हुआ, क्या मामला? मेरे ससुराल वाले, मेरे चार बच्चे हैं, मेरा आदमी गलत शौक करता है, मेरे ससुराल वाले उनकी उनका पक्ष लेते हैं, मैं हम कुछ कहते हैं तो सारे घर के मुझे मारने पीटने आ जाते हैं। इससे क्यों बोल रही है, मेरे चार बच्चे में कैसे क्या करती हूँ, वो मैं मेरे बच्चों को पालती हूँ तो गलत शौक करता, मुझे परेशान करता, मारता कूटता, मेरे घर वाले बोलते हैं तो उनको भी मारते हैं पूरे भाई मिलके कि ये क्यों बोल रहे हैं, इनको क्यों, इनको इनका क्या हक है बोलने का, तो मेरे तो कोई है ही नहीं मेरे घर वालों के अलावा, तो वो सब मुझे ऐसे परेशान करते हैं पूरे ससुराल वाले। मेरे चार देवर हैं, मेरा एक जेठ है जो छुड़ा लेता, उनको छूट जाते हैं वो पैसों से, उनका तो कुछ होता भी नहीं है। और रात को भी मैं घर पे थी तो मेरे चारों देवर और मेरा आदमी आया घर से, डॉक्यूमेंट्स मांगने लगे मकान के, मकान बेचूंगा, तो मैंने कहा मैं नहीं बेचने दूंगी, मेरे चार बच्चे हैं, मैं कहाँ जाके रहूंगी उनको लेके, तो मेरे देवर और ने क्या दे दो ना मकान तुम्हारे नाम है, तो क्या हुआ, बेचने तो बेच रहा है, तो मैं बोली तो मुझे मारपीट करने लग गया वो, तो मेरे भाई ने मुझे बचाया, तो उसके भाई और हम सबको मारने पीटने लग गए। हम मेरी बहनें ईद के वजह से मुझसे मिलने आई थी, तो हम तो तीनों बहनें अंदर थे और वो तो चारों पाँचों भाई आके और मारा कुटी करने लग गए हमें, और घर से निकालने लग गए मुझे, घर से निकल और उसको मकान बेच रहा है तो बेचने दे, तो मेरे चार बच्चे मैं कहाँ लेके जाऊँगी मेरे चार बच्चों को, घर वालों का पकस रहता है, उसको घर वालों का सपोर्ट रहता है, तो वो बस जब भी। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इन्फिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्रेन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टेक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलोर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज वो नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं।
विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिद्री में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीकशाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186, टोल फ्री नंबर 1800123947, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd एंड BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd एंड BEd कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर 9945283920, 8482127। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने शनिवार देर रात अपनी नई टीम की घोषणा कर दी। इस टीम में कुल 29 पदाधिकारी बनाए गए हैं। पहली बार 5 महामंत्री बनाए हैं। टीम में सांसदों को भी शामिल किया गया है। चुनाव को देखते हुए टीम बनाने में जातिगत संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है। टीम में CP जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, समर्थक नेताओं को ज्यादा जगह मिली। यह नई टीम प्रदेश उपाध्यक्ष बाबा बालकनाथ योगी, सुखबीर सिंह जोनापुरिया, CR चौधरी, नारायण पंचारिया, अजय पाल सिंह, मुकेश दाधीच, संतोष शैलावत, चुन्नीलाल गरासिया, प्रभुलाल सैनी, जितेंद्र गोठवाल, श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, जगवीर छाबा, दामोदर अग्रवाल, मोतीलाल मीणा, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया, प्रियंका मेघवाल बालान, वासुदेव चावला, भानु प्रताप सिंह, नीलम गुर्जर, महेंद्र कुमावत, हीरालाल नागर, सावला राम देवासी, अनंत राम विश्नोई, कृष्ण कटारा, पिंकेश पोरवाल।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने इटावा शहर में घूमकर मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी इटावा शहर मंडल में प्रदेश योजना के तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के लक्ष्य को लेकर दिल्ली से आए अल्पकालीन विस्तारक रवि भारद्वाज के साथ इटावा शहर मंडल प्रभारी भाजपा जिला मंत्री सुरेश शर्मा व कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर इटावा शहर से संपर्क किया। साथ ही मंडल की बूथ समितियों का सत्यापन किया गया। भाजपा जिला मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बूथ जीते तो चुनाव जीते, इसी मंत्र के साथ कार्यकर्ता भाजपा सरकार बनाने को संकल्पित है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शहर महामंत्री उमाशंकर बैरवा, शक्ति केंद्र प्रभारी रमेश नागर, टीकम गुर्जर, महामंत्री भुवनेश योगी, दीपक दादिज सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। जोधपुर से अब खबर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान की जनता वर्तमान भ्रष्ट सरकार से आजीज आई हुई है। पहली बार है कि सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में आम आदमी ही नहीं बल्कि खुद सत्तारूढ़ दल के विधायक विधानसभा में खुलकर बोल रहे हैं। जोधपुर में शनिवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में शेखावत ने गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार अब तक की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। कांग्रेस सरकार पिछले 4.5 साल में हर मोर्चे पर विफल है, इसलिए कोई वादा पूरा नहीं किया। 9,500 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई लेकिन इनका कर्ज माफ नहीं किया। युवाओं से किए वादों से भाग रही है, निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं, माफिया का आतंक बढ़ा है। कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अपने निवास पर विस्तारकों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत जोधपुर शहर भाजपा के 12 मंडलों में बूथ समितियों, पन्ना प्रमुख की सूचियों के सत्यापन पुनरीक्षण के लिए गोवा से विस्तारकों का दल जोधपुर प्रवास पर है। जोधपुर संभाग में तकरीबन 135 विस्तारक साथी सत्यापन का कार्य करेंगे। शेखावत ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन को सबसे ज्यादा बजट आवंटित हुआ लेकिन काम की गति में सरकार सबसे फिसड्डी है और नीचे के 3 राज्यों की श्रेणी में है। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। शेखावत ने भाजपा के संपर्क से समर्थन अभियान के तहत प्रबुद्धजनों के निवास स्थान पर जाकर मुलाकात, केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और संगठन के उद्देश्यों से रूबरू कराया। इटावा क्षेत्र के पीपलदा, करवाड़, खातोली, अयाना व इटावा कस्बे से आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और पूर्व विधायक विद्याशंकर नंदवाना के समर्थक भाजपा कार्यकर्ता कोटा में होने वाली कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर आयोजित महारैली व कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ताओं बसों के द्वारा कोटा महारैली में पहुंचे। भाजपा युवा नेता नरेश खंडेलवाल ने बताया कि कोटा में महारैली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता महारैली में बसों से पहुंचे। इस दौरान पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र आर्य, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष भरत पारेता, पार्षद भेरूलाल गोचर, महावीर नागर, विजेंद्र गौतम, विकास सक्सेना, कपिल चौधरी, पवन नंदवाना सहित कई कार्यकर्ताओं ने बसों का नेतृत्व किया। अवरोड के ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में शुक्रवार रात्रि को आयोजित समर्पण समारोह में पहली बार एक साथ देशभर की 450 युवतियों का दिव्य विवाह हुआ। विवाह में 450 दुल्हनों ने परमात्मा शिव को दूल्हे के रूप में अपनाया। इन दुल्हनों में सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, एमटेक, एमएससी, फैशन डिजाइनर, स्कूल शिक्षिका भी शामिल थी। समारोह में उपस्थित 15,000 लोग बाराती के रूप में दिव्य विवाह के साक्षी बने। सभी 450 बेटियों ने शिव को वर मानकर स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर संयम का मार्ग अपनाया। इस दौरान खुशी में भावुक माता पिता ने कहा कि उनका जीवन धन्य हो गया। परमात्मा से यही कामना है कि हर जन्म में ऐसी शक्ति स्वरूपा कुल उद्धार करने वाली बेटी मिली। संस्थान के इतिहास में पहली बार एक साथ 450 बेटियों ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ब्रह्मा कुमारी के रूप में आजीवन समाज सेवा का संकल्प लिया। इन बेटियों की खुशी में नाचते देख हर कोई भावुक हो गया। समारोह में बेटियों के माता पिता ने अपनी लाडलियों का हाथ संस्थान के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी मुन्नी दीदी, राजयोगिनी संतोष दीदी के हाथों में सौंपा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस में हलचल तेज, हरीश चौधरी बोले राहुल का संदेश, सभी एकजुट होकर लड़े चुनाव। राजस्थान को मिलेगी दूसरी वंदे भारत, पीएम मोदी 7 जुलाई को देंगे सौगात। देवीकोट और फतेहगढ़ में चोरों ने अर्धरात्रि को सुनार की दुकान को बनाया निशाना। कोटा कलेक्टर ने बाढ़ से अलर्ट को लेकर चिन्हित गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से ली जानकारी, दी अधिकारियों को निर्देश। 12 में महिला व उसकी बहनों के साथ उसकी 4 देवर ने की मारपीट। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।